मंत्री वसुंधरा राजे। श्री बाबूलाल जी, विधायक सीकर के श्री रतनलाल जी चंदारी, खंडेला के बंसीदास जी बाजिया, नीम के थाना के प्रेम सिंह जी बाजोर, जिला प्रमुख सीकर श्रीमती अपर्णा जी रोदन, महेश शर्मा जी पूर्व जिलाध्यक्ष, मनोज सिंघानिया जी, काशीराम जी गोदारा, पवन मोदी जी, पूर्व विधायक रणमल सिंह जी, मुकेश दादी जी, संगठन के सब पदाधिकारी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं राजकुमारी जी शर्मा पूर्व विधायक, उनके साथ रिटायर्ड आर्यश ईश्वर सिंह जी राठौड़ और रिटायर्ड वीडियो श्री बद्री प्रसाद जी को अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत प्यार से स्वागत करना चाहती हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि वो हमारे पार्टी के अंदर आज प्रवेश किए हैं। अजय जी, आपको भी, सब लोग पार्टी में आए हैं, आप लोग सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप सबके आने से पार्टी और भी मजबूत हो जाएगी। आज सीकर की भूमि, जहां वीर चक्र से सम्मानित शहीद उजीन सिंह जी और शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद भागीरथ मल जी सहित जो भी इस क्षेत्र के शहीद हैं, उन सबको मैं श्रद्धांजलि आज देना चाह रही हूं। आप लोग प्लीज या तो मंच पर बैठ जाओ या ऊपर नीचे जो भी आप लोग कर रहे हो। आप सबको श्रद्धांजलि, उनको सबको श्रद्धांजलि हम सब की ओर से मैं देना चाह रही हूं। मुझे थोड़ा सा आप माफी करेंगे, मेरी गला बहुत ही खराब है और आज थोड़ा सा बुखार भी है, इसलिए जिस तरीके से और जिस प्रेम के साथ और जितने जल्दी मुझे आप लोगों के बीच में आ जाना चाहिए था वो मैं नहीं आ पाई, थोड़ी सी देर हो गई। उसके बावजूद भी आप लोगों ने यहाँ इतने प्यार से हम सबका स्वागत किया है, माताएं बहने आप लोगों ने स्वागत किया है और यहाँ सब मेरे भाई और बुजुर्गण ने स्वागत किया है, उसके लिए मैं सब सीकर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मैं हमको याद किया। आज मैं सैनिकों का ध्यान आप लोग सबको देना चाहती हूँ कि ये भूमि दो चीज के लिए हम लोग याद करते हैं। प्लीज आप लोग बैठ जाएं। ये भूमि दो चीज के लिए ये याद की जाती है। सबसे पहले याद की जाती है पढ़ाई लिखाई के लिए और दूसरी बात याद की जाती है उसके जान बाज सैनिकों के लिए, जिन लोगों ने अपनी जान की अपनी जिंदगी का पूरा न्यौछावर कर दिया है हमारे देश के ऊपर और हम सब के ऊपर। ऐसा सीकर आज मैं आप सबको प्रणाम करके इस पवित्र भूमि को भी प्रणाम आपके साथ साथ करना चाहती हूं। मैं आज याद करना चाहूंगी अटल जी को भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन प्रधानमंत्री ने हमारे सैनिकों को सम्मानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुझे याद है कारगिल का युद्ध जब कंप्लीट हो गया था तो उस युद्ध के बाद उन्होंने मुझे चला के ये कहा, क्या बात, क्या है भैया वहां? उन्होंने मुझे याद किया था, मुझे ये कहा था कि हमारे सैनिक, हमारे वीर सैनिक ऐसे सैनिकों के घरों के ऊपर अभी तक शहीद घर कभी वापस नहीं गए, उनका टैग जो गले में हुआ करता था वो उनके घर में पहुंचा करता है, इसलिए आज मैं चाहूंगा कि वो शहीद खुद अपने अपने घर में पहुंचे और के घर में ही नहीं पहुंचे, आप लोग भी सह सम्मान उनको अपने घर में पहुंचाने का काम करें और श्रद्धांजलि हमारी सरकार की ओर से देने का काम करें।
तो पहली दफा शहीद वापस अपने घरों में गए, सम्मानितों के घर में गए। वो तब गए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कारगिल युद्ध के बाद उनको उनके परिवारों को याद किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे सब जो पूर्व सैनिक हैं, वो 71 के बाद उनको पैकेज मिला करता था। अब ये राजस्थान सरकार ने तय कर लिया है कि 1947 के बाद से लेकर 1971 तक जो भी शहीद के परिवार हैं, उनमें से एक किसी को सरकारी नौकरी देने का काम हम करेंगे। उसके साथ साथ ये भी तय हुआ कि मेडल धारक जो है उनको पुरस्कार राशि जो उनकी मिलती है उसके अंदर हम वृद्धि करेंगे। पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के अंदर 5% आरक्षण देंगे। शहीद परिवारों को जो मिलने वाले सम्मान भत्ता है उस सम्मान भत्ता को दुगुना करेंगे। और हमारे थानों के अंदर जो शहीद और सैनिकों की सूची है उनको लगा देंगे। और जो भी सैनिक या जो भी शहीद के परिवार के लोगों को परेशानियां छोटी छोटी होती हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे थाने और थानेदार पूरी तरह से आगे खड़े रहेंगे। यही हमने तय किया कि सीकर के अंदर महाराज शेखावत शेखा जी के नाम से एक प्रिपेरेटरी स्कूल हम खोलेंगे स्कूल के अंदर, और बहुत जल्दी इसकी स्थापना करेंगे। इसकी जमीन हमने दे दी है, 21 करोड़ का बजट हमने अलग से रख दिया है। और इसके अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्योंकि यहाँ के लोग सब सैनिक लोग हैं, तो हमने तय कर लिया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पूना के अंदर है उसमें जो बच्चे जाना चाहते हैं वो 11वीं और 12वीं पास करके इस स्कूल में आ जाएंगे। तो यहाँ से फिर जो एग्जाम पास करेंगे वहां से अगर अच्छा काम करते हैं तो सीधे नेशनल डिफेंस एकेडमी में चले जाएंगे। और इस स्कूल को चलाया जाएगा कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर डायरेक्टर के रूप में, और कोई ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर इसका प्रिंसिपल बनेगा। ऐसे करके हमने ये स्कूल बनाने का काम किया, बहुत जल्दी ये भी खड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, बधाई आप लोगों को भाई और बहनों, क्योंकि किसान के रूप में आप लोगों को जो छोटे किसान लघु और सीमांत किसान थे उन लोग सबको हमने 50,000 तक का लोन माफ करने का काम किया है। ये पहली दफा राजस्थान के अंदर हुआ। जब कांग्रेस वालों ने बार बार खड़े होकर ये बात करना शुरू कर दी तो मैंने कहा जो 50 साल में आप लोगों ने काम नहीं किया है वो 5 साल के अंदर हम काम करेंगे, क्योंकि पैसा जनता का है। मैंने सबको कहा कि सब जाति अपने जाति हैं, 36 के 36 कौम को गले से लगा के चलने का काम हमने किया है। हमने संकल्प लिया है कि हम इनको सबको राजस्थान को आगे ले जाने का काम करेंगे। इसलिए ये पैसा भी जनता का ही है, और अगर कर्ज माफ करने की जरूरत पड़ती है तो हम गरीब किसानों के कर्ज को माफ करने में पीछे नहीं हटेंगे। हमने 30 लाख किसानों का 9,000 करोड़ रुपए सबके बीच में बांटते हुए हमने ये तय कर लिया कि किसान को एक तो कर्जा माफ और दूसरा जितना कर्जा उन्होंने वापस दिया है उतना ही कर्जा और दे देंगे, ताकि वो अपने काम में कोई रुकावट नहीं पाए। ऐसे करके उनको और भी कर्जा देने का काम किया है। पेट्रोल डीजल के अंदर भाइयों, ये पहला राज्य है जिसने पूरे देश के अंदर 2.5 रुपए पेट्रोल और डीजल के अंदर कमी की है। मुझे याद है जब मैं गंगानगर के इलाके में थी तो मुझे वहां के लोगों ने कहा कि ये 1 महीने से उतार चढ़ाव हो रहा है और इससे हमें बड़ी मुसीबत हो रही है, आप हमारी मदद करिए। किसी भी दूसरे राज्य ने इस देश के अंदर ये काम नहीं किया है, परंतु राजस्थान में 2.5 रुपया हम लोगों ने इसमें कम किया। वैट के 4% को हमने कम किया, और इसके साथ साथ हमने सबको ये कह दिया कि 2,000 करोड़ का जो एक्स्ट्रा पैसा वहन करना पड़ेगा वो राजस्थान की सरकार खुद वहन करेगी, ताकि किसान को मने ज्यादा मुसीबत वहन करने की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने मदद करने में भी पीछे नहीं हटे, उन्हें 37 लाख महिलाओं को पूरे राजस्थान के अंदर आज मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम किया है, जो किसी भी सरकार ने नहीं किया। मुफ्त गैस कनेक्शन माताएं बहने पहले कभी नहीं मिला था, पर उन्होंने ये कहा कि उनको चूल्हे में अपना खाना बनाना पड़ता है, आंखें में धुआं चला जाता है, टाइम लगता है खाना बनाने के लिए, इसलिए ऐसी महिलाओं को
हम काज के ऊपर गैस कनेक्शन फ्री देने का काम करेंगे और ऐसे 37 लाख लोगों को राजस्थान के अंदर उन्होंने मदद करने का काम किया है। मैं बधाई आपको इसलिए भी देना चाहती हूँ कि 5 साल के अंदर कृषि बिजली की दरों में हमने कोई बढ़ोतरी नहीं की। और मैं मायका बहने आपको बताना चाहूंगी कि आपको अगर घरेलू कनेक्शन लेना है तो आप अपने बिजली के ऑफिस में जा सकते हो, 500 रुपए दे सकते हो और अपना घरेलू कनेक्शन ले सकते हो। और मैंने 2 लाख और कृषि कनेक्शन देने की घोषणा कर दी है जो दिसंबर के अंत तक हमारे किसानों को मिल जाना चाहिए और जिसका फायदा उन किसानों को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है पीने के पानी का। मुझे याद है कि मैं फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ वगैरह में गई थी तो सब लोगों ने मुझे ये कहा था इन कस्बों के अंदर तो हमें पीने का पानी सीधे हिमालय का पानी।